क्वेश्चन हमें बता रहा है, इन जीएसएल्स मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप्स, हमारा जीएसएल मेथड है। जीएसएल मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? हम जीएसएल मेथड यूज करते हैं टू डिटर्मिन कि एक कंपाउंड में हमारे कितने मिथॉक्सिल ग्रुप्स हैं, यानी कि OCH3 ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है, अ सैंपल ऑफ 2.68 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ए गेव 14.08 ग्राम्स ऑफ AGI. इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए इज 134, द नंबर ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप्स इन द कंपाउंड ए आर। हमने एक कंपाउंड ए जो है इट अंडरवेंट द जीएसएल मेथड और इसने हमें दिए 14.08 ग्राम्स ऑफ AGI. ठीक है, हमें बताना है इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मिथॉक्सिल ग्रुप्स हैं। हम देखते हैं पहले कि इस जीएसएल मेथड में होता क्या है। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड ए है। ठीक है, इसको हम ट्रीट करते हैं पहले हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ, यानी कि आप एच आई ले इसको। ठीक है, अब आपको पता है ए के साथ कुछ OCH3 मॉलिक्यूल्स एडेड होंगे, राइट? तो ये फिर बनता है एक आयोडो अल्केन। ठीक है, इस आयोडो अल्केन को फिर हम ट्रीट करते हैं AgNO3 के साथ और पास करते हैं इसको इथेनॉलिक सोल्यूशन में। इथेनॉलिक सोल्यूशन में और ये देता है हमें AGI, और इसी को हम मेजर करके डिटरमिन करते हैं कि कितने मिथॉक्सिल ग्रुप्स हैं। अब वो कैसे हम करते हैं, अगर आप यहाँ देखें जो पहले इसकी ये HI के साथ रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है आपका OCH3+HI, ये जो H है ये आपके इधर इसको अटैक करेगा, ये बनेगा OHCH3 और इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और फिर ये जो I है ये आपके इधर इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा, आपका CH3 बाहर आ जाएगा। यानी कि आपके जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन ऐड होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आपके मिथॉक्सिल ग्रुप जो आपके CH3 है वो बाहर हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आई एडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ OCH3 ग्रुप्स, राइट? आपके पास जितने OCH3 ग्रुप्स होंगे उतने ही जो आपके आयोडाइड, ये जो आपका आयोडाइड आयन है उतने ही उन पे अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि हम रिएक्शन में देखेंगे आपके जितने, यानी कि इन द एंड आपका आई आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ AGI, यानी कि जितने आपका AGI के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उतने ही आपके मिथॉक्सिल ग्रुप्स होंगे, नंबर ऑफ OCH3 ग्रुप्स, या इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ AGI मॉलिक्यूल्स, राइट? अब हम देखते हैं हमारे कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स जो हमारे बन रहे हैं AGI के बन रहे हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन वहीं से बता रहा है कि हमारे ए 2.68 ग्राम ऑफ ए जो है वो कितने ग्राम्स ऑफ AGI दे रहा है हमें, 14.08, राइट? तो हम देखते हैं पहले इसका जो एक मोल ऑफ ए है वो हमें कितने मोल्स ऑफ AGI देगा। ठीक है, इसका एक मोल हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 134 ग्राम्स, राइट? यानी कि 134 ग्राम ऑफ ए, यानी कि वन मोल ऑफ ए हमें कितने मोल्स देगा, ये आ जाएगा 14.08 डिवाइडेड बाई 2.68 इंटू 134, इतने ग्राम्स ये हमें AGI देगा। ये आपका आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 704 ग्राम ऑफ AGI, यानी कि आपका वन मोल ऑफ ए जो है वो कितने ग्राम्स ऑफ AGI दे रहा है, 704। अब हम देखते हैं ये 704 ग्राम्स ऑफ AGI जो है ये कितने मोल्स ऑफ AGI बन जाता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AGI जो होगा वो गिवन मास बाय मोलर मास होगा, यानी कि 704 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास आपका AGI का 235 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 मोल। ठीक है, यानी कि आपका वन मोल ऑफ ए आपका 3 मोल ऑफ AGI दे रहा है, यानी कि आपके 3 मोल्स ऑफ AGI बन रहे हैं, यानी कि आपके 3 मोल्स ऑफ आई ने अटैक किया होगा 3 OCH3 मॉलिक्यूल्स पे, राइट? तो आपके नंबर ऑफ OCH3 ग्रुप्स जो होंगे वो भी कितने होंगे, वो भी 3 होंगे, राइट? क्योंकि आपका 3 AGI बन रहे हैं, वो भी 3 होंगे, ये आपके आगे नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। हाँ।